इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में एक कटोरी मैदा लेंगे। इसमें डालेंगे एक चम्मच बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। अब हम इसे सीव कर लेंगे तथा अपने ड्राई इन्ग्रीडियंट को एक साइड रख देंगे। अब एक दूसरे बाउल में हम 100 ग्राम बटर लेंगे और उसमें 4 चम्मच दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मिल्क डालेंगे, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच दही मिला देंगे। डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में वेट इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डालकर एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक कटोरी मैदा में एक कटोरी मिल्क का इस्तेमाल किया। केक के मोल्ड को हम बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और उस पर थोड़ा सा सूखा मैदा भी स्प्रिंकल कर देंगे। इसी तरह हम सारे मोल्ड को रेडी कर लेंगे। अब मोल्ड्स में हम केक के बैटर को डाल देंगे। हमें मोल्ड्स को एक तिहाई भाग खाली ही छोड़ना है। देखिए इस तरह से सारे मोल्ड्स रेडी हो गए हैं। अब हम ऊपर से टूटी फ्रूटी स्प्रिंकल कर देंगे। हम इन्हें 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे।